अरे वाह गाइस, यार लगता है आज तो अवेंजर्स ने कोई दावत रखी है अपने घर पे। इसलिए भाई इतने ज्यादा बढ़िया बढ़िया सूट्स। एक मिनट, इसमें से कुछ सूट तो बिल्कुल ही नए हैं भाई, उनको तो मैं भी नहीं जानता। ये बड़ा वाला सूट कौन सा जो चमक रहा है इतना? अरे वाह भाई, अवेंजर्स तो अमीर हो गए। ओ क्या बात है, डायमंड टीवी मैन का सूट। व्हाट, डायमंड टीवी मैन का सूट? एक मिनट। अरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस शो को नाम देंगे हमारा स्पेशल अवेंजर्स शो। स्पेशल अवेंजर्स शो, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें खास सब कुछ है। उड़ी कसम, बिल्कुल सही कहा। ओए हाँ, खून पसीने की मेहनत से बनाया है हमने सब कुछ। देखिए, सबसे पहला और सबसे कीमती सूट जो कि 5 हेडेड डायमंड टीवी मैन का सूट है। एकदम प्योर डायमंड से बनाया हुआ ये टीवी मैन का सूट, जो बहुत ज्यादा ताकतवर और ज्यादा खूबसूरत है। ये दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। भाई साहब, इतनी बड़ी बात नहीं। यहाँ पर ये देखिए, ये लेजर मैन का सूट। ओ माय गॉड, रेड लेजर मैन का सूट पहले सिंपल टाइप का था, और हमने यहाँ पर एक वेरी जायंट लेवल का बाइक मैन का सूट भी बनाया। हालांकि ये अभी इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और अपना स्पीकर मैन, इसको भी जल्द हम यहाँ पर अपग्रेड करने जा रहे हैं। ओ माय गॉड, मुझे तो सबसे बेस्ट यहाँ पे डायमंड टीवी मैन का सूट लग रहा है। गाइस, आपको कौन सा लग रहा है जल्दी कमेंट लिखकर बताओ। हाँ तो दोस्तों, हम आज इन सब की पावर टेस्टिंग करके दिखाएंगे। ये हम सभी की तरह ह्यूमन की तरह बात कर सकते हैं। व्हाट, इसका मतलब हमारे फ्रेंड भी बन सकते हैं? अरे बिल्कुल। और है इसकी बेड़ी। इस दिन का ना जाने कब से इंतजार था। एक काम करता हूँ, जल्दी से माइंड कंट्रोलर मशीन निकालता हूँ और यहाँ पर जितने भी सूट हैं उनका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट गाइस, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हेलो, जरा गाइस हटना, मुझे देखने देना। अरे अपने काम से काम रख फ्रैंकलिन। अरे अपने काम से काम ही तो रख रहा हूँ। एक मिनट भाई साहब, ये तो, ओ माय गॉड, वो तो एक स्किबिडी टॉय मॉन्स्टर है, वो भी आर्मी वाला। ओ भाई साहब टोनी, मेरी बात सुन, तूने स्किबिडी टॉय मॉन्स्टर को भी इनवाइट किया गया? कैसी बकवास बात कर रहा है भाई। मैंने इतने महंगे महंगे सूट बनाए स्किबिडी टॉय मॉन्स्टर जैसे सुपर विलन से दुनिया को बचाने के लिए, मैं उनको क्यों बुलाऊंगा? तू एक स्किबिडी टॉय मॉन्स्टर वहां पर मशीन के साथ क्या कर रहा है? क्या कह रहा है तो? ओई फ्रैंकलिन, तू पागल हो गया? सामने से हट, समझा? तू पब्लिसिटी के चक्कर में पता नहीं कुछ भी बोले जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ओ भाई साहब, ये क्या होने लग रहा है? ओ माय गॉड, अबे भाई ये क्या हो रहा है? मुझे कोई बचाओ, मुझे, मेरा माइंड लगता है कोई कंट्रोल कर रहा है। व्हाट, अबे कुछ गड़बड़ है। गाइस यहां पर जल्दी से लॉकडाउन लगाओ, चेक करो यहां पर कौन गड़बड़ कर रहा है। इसकी भेड़ी, और लेजर मैन का माइंड कंट्रोल हो चुका है, बस बाइक मैन और ये टीवी मैन हो जाए। अरे बाप रे, नो 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 नो, ये क्या, मैं सबको मार दूंगा। अरे कोई बकाओ, ये क्या हो रहा है? ओ भाई साहब, यहां पर लेजर मैन का माइंड कंट्रोल कर लिया किसी तरह से उस स्किबिडी टॉय मॉन्स्टर ने। जरूर उसके पास कोई माइंड कंट्रोल जैसी मशीन होगी। ओ माय गॉड, अभी एक सूट कंट्रोल हुआ है सारे हुए, तो क्या हो सकता है? गाइस आप लोग जल्दी प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। अबे सबको मार देंगे हम, हल्क को मत मारना प्लीज, हल्क की कोई गलती नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मैंने यहाँ पर तुम लोगों को अपने आप को बचाने के लिए बनाया था, तुम हमें क्यों पीट रहे हो? ओ माय गॉड, इनमें बेचारे सूट्स की कोई गलती नहीं है, इनका माइंड कंट्रोल कर लिया है उस बकवास स्किबिडी टॉय मॉन्स्टर ने। भाई साहब, ओ नो नो नो, ये क्या भाई साहब? बाइक मैन तो यहाँ पर बाकी के बचे हुए सूट्स जो डिस्ट्रॉय नहीं हुए, जो किसी का माइंड कंट्रोल नहीं कर पाए, उनको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है भाई। क्या, एक मिनट, डायमंड टीवी मैन का सूट कहाँ पर गया? अरे छोड़ मेरे को, अबे तू भी मरेगा ले। अरे बाप रे यार, मेरी तो कमर ही तोड़ दी। अरे कोई बचाओ हमें, मैं कहाँ से बचाऊँ? एक मिनट, इसके बड़े तो मेरी आर्मी ने फाइनली काम कर ही दिया। मैं हूँ सन गॉड इसके बड़े टॉयलेट मॉन्स्टर। मुझे कब से इस समय का इंतजार था। अवेंजर्स जब भी कुछ क्रांति वाला काम करते हैं वो हमेशा मेरे यूज में आता है। अरे बाप रे, तो इस सब के पीछे ये वाला गॉड है जो कि सन गॉड इसके बड़े मॉन्स्टर है। प्लीज बाइक मैन, लेजर मैन, अपने आप को संभालो यार, तो हमारे दोस्त तो ना कि हमारे दुश्मन। ये क्या हो गया अवेंजर्स, कुछ तो बोलो भाई। गाइस नहीं, आप लोगों को प्लीज जल्दी वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, डायमंड टीवी मैन कहां पर है? कोई बचाओ हमको। ये क्या हो गया, यहां पर जितने भी लोग बेचारे इस नए शो में आए थे वो सब के सब मारे गए। ये क्या हो गया, अभी तक पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया है और ना ही आर्मी वालों को। लेकिन आर्मी क्या कर लेगी इनके आगे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। प्लीज टोनी उठ जा, हमें यहां पे सूट्स का कंट्रोल वापस लेना होगा और सबको बचाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन, डायमंड टीवी मैन को देख, एक मिनट वो रहा। एक मिनट, डायमंड टीवी मैन तो ठीक है। फ्रैंकलिन मेरे साथ चल, ले जा इसको डायमंड टीवी मैन, बचा फ्रैंकलिन को किसी भी हालत पे। ठीक है मेरे भाई, मैं अभी टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। ओ माय गॉड, ये क्या था? ये था डायमंड टेलीपोर्टेशन पोर्टल। व्हाट, डायमंड टेलीपोर्टेशन पोर्टल, मैं कुछ समझा नहीं। और भाई साहब, यहाँ पर सबका माइंड कंट्रोल हो गया लेकिन तेरा माइंड का नहीं हुआ, क्योंकि मैं डायमंड टीवी मैन हूँ। मेरे माइंड को कंट्रोल करना या मेरे माइंड के अंदर घुसना इतना आसान नहीं है फ्रैंकलिन। ओ माय गॉड, तो क्या तो सारे एवेंजर्स को
और जितने भी हमारे दोस्त जिनका माइंड कंट्रोल हो सकता है या हो गया है उनको बचा सकता है। नहीं फ्रैंकलिन, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, मैं तो अभी जस्ट पैदा हुआ हूँ, मुझे तो कुछ इस दुनिया के रूल के बारे में भी नहीं पता। बट तू तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय से यहाँ पर रह रहा है, तुझे सब कुछ पता है, इसलिए मैं तेरा साथ दूंगा, चिंता मत कर। नहीं, मैं यहाँ पर तुझे अपने डायमंड टीवी की ताकत देने जा रहा हूँ, मैं तुझे डायमंड टीवी मैन बनाने जा रहा हूँ, तुझे यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन डायमंड टीवी मैन बनना होगा। व्हाट, ये क्या कह रहा है तू? चिंता मत कर, हम साथ मिलकर काम करेंगे। गाइस, मुझे यहाँ पर डायमंड टीवी मैन ने एक छोटा सा डायमंड टीवी मैन बना दिया है। मेरी बॉडी देखिए डायमंड हो गई है भाई, और मेरा टीवी भी यहाँ पर कितना स्पेशल लग रहा है। बट एक मिनट, डायमंड टीवी मैन ये तूने किया कैसे? एक मिनट भाई साहब, तेरे टीवी की स्क्रीन कहाँ गई? मैंने यहाँ पर अपने टीवी की स्क्रीन का सेक्रीफाइस करके तुझे डायमंड टीवी मैन बनाया। घबरा मत फ्रैंकलिन, हमें यहाँ पर साथ में दुनिया को बचाना है तो साथ में त्याग करना होगा, साथ में आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल सही कहा, मैं अभी शहर की तरफ जाता हूँ और पता करता हूँ क्या चल रहा है। शुक्र है गाइस, यहाँ पर शांति भी बढ़ी है। खैर, न्यूज चेक करते हैं। अरे वाह, बुरे ब्रेकिंग न्यूज, हमारे प्रिजन पे कब्जा हो चुका है सारे सिक्योरिटी वाले मॉन्स्टर और सुपर विलन्स का। वहाँ के जितने भी गार्ड से मार दिए गए हैं, सब अपनी तानाशाही मना रहे हैं। जल्दी लॉस सैंटोस पे भी हमला करने की बातें कर रहे हैं, वो बचाओ। ओह नो, लॉस सैंटोस के प्रिजन में एक से एक बड़ा क्रिमिनल रहता है गाइस, और वहां के गार्ड्स को मार दिया गया है, वो भी सुपर विलन्स और इसके बडीज के द्वारा। मुझे सब कुछ ये रोकना होगा। ओह माय गॉड, ये सब बेचारे यार कितनी ज्यादा ईमानदारी से अपने देश की सेवा करते थे, और यहां पर इनकी फैमिली का क्या होगा? मैं छोड़ूंगा नहीं जिसने ये सब किया है। क्या करूं, गेट तो बंद है, आई थिंक मुझे ऊपर से जाना चाहिए। कोई तो जगह होगी यहां गाइस, पहले ड्रोन से देख लेते हैं क्या चल रहा है अंदर। गाइस देखिए, यहां पर तो रेड जैन और जितने भी बुरे लोग हैं वो सबके सब जिंदा और खुले घूम रहे हैं, और जितने भी ऑफिसर्स और अच्छे लोग थे उन सबको मार दिया गया है। ये प्रिजन नहीं, अब हेल बन चुका है, मुझे सबको रोकना होगा। गाइस चलो जल्दी चलते हैं। शुक्र है यहाँ पर एक डोर तो खुल गया। यार तू भी खुल जा डोर। खुल गया गाइस, खुल गया, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और यहाँ पर पहुंचते हैं। एक मिनट, ये क्या चीज है भाई साहब, ये किसी तरह का कोई ट्रैप तो नहीं है? मैं काम करता हूँ, यहाँ से ना छलांग लगा के आगे बढ़ जाता हूँ, जंप लगा के गाइस आगे बढ़ते हैं, कभी मैं यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। ओ भाई साहब, सच में वो ट्रैप ही था। शुक्र है मैंने पैर नहीं रखा उस पे, वरना मेरी तो धज्जियाँ उड़ जाती। क्या बचा? ये क्या? नहीं, मुझे किसी ने यहाँ पर लटका दिया। कोई है? प्लीज बचाओ मुझे। गाइस मेरे पैर इस सीलिंग में अटक गए या फिर किसी ने अटकाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कम ऑन फ्रैंकलिन, तू कर सकता है। अरे मजा आ गया। ओए देखो देखो, ये कौन है? अबे ये तो डायमंड टीवी मैन है। अब ये इतने छोटा कैसे हो गया? अच्छी बात है, इसको करोड़ों में बेचेंगे, पकड़ लो इसको। प्लीज ब्लैक फ्रैंकलिन, मैं फ्रैंकलिन हूँ, मुझे छोड़ दे प्लीज। तुम लोगों ने प्रिजन का क्या हाल बना दिया है? ओ तो ये फ्रैंकलिन है, फिर तो उसको ऐसे ही रहने दो। गाइस क्या करूँ, मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा इतनी ऊपर। काश मेरा भाई डायमंड मैन मेरी मदद कर पाता। एक मिनट, व्हाट, मेरे टीवी में से एक गन निकली? गाइस मुझे पता ही नहीं था मैं यहाँ पर इस तरह की चीजें भी कर सकता हूँ। गाइस इस गोली से ये फाइनली भाई, गोली मार के हमने खुद को तो छुड़ा लिया। अब चलो जल्दी चलते हैं और देखते हैं अंदर का क्या हाल है। मैं सारे के सारे प्रिजनर्स को बैंड बजा दूंगा, उन्होंने यहाँ पर सारे गार्ड्स का क्या हाल कर दिया है। एक मिनट, यहाँ पर इतने ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोसिव क्या कर रहे हैं? पूरे प्रिजन को उड़ा देंगे, कोई जेल नहीं बचेगा। अरे बिल्कुल, इसकी बड़ी, इसकी बड़ी। गाइस यही इसकी बड़ी है जिसने यहाँ पर सबका माइंड करप्ट कर दिया था। ये लो ये लो ये लो, तुम इस एक्सप्लोसिव से पूरे प्रिजन को उड़ाने वाले थे ना, लो तुम सब प्रिजनर, तुम भी उड़ो उसके साथ। इसके बड़े, इसके बड़े, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? हमको कौन मार रहा है? लेट्स गो। यहाँ पर जितने भी बुरे प्रिजनर्स बचे थे उन सब की अच्छे से मैंने बैंड बजाए। गाइस आप ही बताइए मैंने ठीक किया है गलत, यस या नो करके कमेंट में जरूर जवाब देना अपने फ्रैंकलिन को। बाकी देखिए यहाँ पर एक एक की मैं बैंड बजाता जा रहा हूँ। आराज की बड़ी, इसकी बड़ी, और उसके बड़े, इसके बड़े, ये क्या हो रहा है? और जल्दी से यहाँ पर रीइंफोर्समेंट बुलाओ और यहाँ पर हमें बचाओ। ओ भाई साहब, ये बोल रहे थे रीइंफोर्समेंट के बारे में, इसका मतलब गाइस कोई बैकअप के लिए यहाँ पर फाइट करने आएगा। बट मेरे हिसाब से जब सारे के सारे प्रिजनर्स यहाँ पर खत्म हो ही चुके, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई आने वाला है। एक मिनट, ये ऊपर से शोर कैसा? भाई साहब, एक दो तीन चार पांच, ओ माय गॉड, मैं अपने टीवी के कैमरा से देख पा रहा हूँ यहाँ पर पांच पांच प्लेन है जो मेरी तरफ आ रहे हैं। अरे मार देंगे इसको हम, इसके बड़े, इसके बड़े। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब तो मैं गया, क्या करूँ क्या करूँ। काश मैं यहाँ पर जायंट टीवी मैन होता तो यहाँ पर उसकी बैंड बजा लेता। ले मैं गन से तुझे मारूंगा। नहीं गाइस इसे कुछ नहीं। ओ भाई साहब ये क्या? ओ माय गॉड, ये तो एक डायमंड टीवी है गाइस। इसकी स्क्रीन में देखिए कितना बड़ा डायमंड है। सबसे अच्छी बात ये है जो मेरे टीवी की स्क्रीन के अंदर होगा मैं उसको बाहर भी निकाल सकता हूँ। गाइस इस बड़े वाले टीवी को, ये तो मॉडर्न टीवी भी लग रहा है, इसको हम अपने एड पे लगाते हैं। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए काम स्टार्ट
हो चुका है। मेरे हिसाब से मैं बहुत जल्दी यहाँ पर पहले से बड़ा वाला डायमंड टीवी मैन बन जाऊंगा। वाह, इस बार मुझे स्पेशल स्पीकर्स, क्लॉज और फाइट के लिए यहाँ पर थोड़े बहुत वेपन्स भी मिल गए हैं। गाइस, अब मैं यहाँ पर अपने सुपर डायमंड टेलीकिनेसिस की पावर से इस पूरे के पूरे प्लेन को हवा में ब्लास्ट कर दूंगा। आ रहा है इसके बड़े तो हमें नहीं रोक पाएगा। 1 2 3 लेट्स गो। भाई साहब, क्या पावर है मेरे पास। देखिए, मैंने यहाँ पर अपने डायमंड टीवी की पावर से यहाँ पर इतने बड़े 5 प्लेन्स को ब्लास्ट किया है। खैर गाइस, प्रिजन तो मैंने बचा लिया, अब यहाँ पर देखते हैं हमारे लॉस सेंटोस में तो कोई हमला नहीं हुआ है। अरे बाप रे, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया डायमंड टीवी मैन, अगर तू ना होता तो हम ना होते, लेकिन दिक्कत अभी शुरू हुई है। इसका क्या मतलब है? कैमरा मैन, स्पीकर मैन, जितने लोग है वो सब ईविल बन गए, शहर में हमला कर रहे हैं। व्हाट, कैमरा मैन? बट कैमरा मैन तो टोनी स्टार्क के पास था ही नहीं, वो ईविल कैसे बने? मुझे बिलीव नहीं होता गाइस, कुछ गड़बड़ कोई साजिश है गाइस। और देखिए, लॉस सेंटोस में तबाही शुरू। जब मैं आया था यहाँ पर कुछ भी नहीं था और यहाँ पर ऑलरेडी इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है। भाई साहब, लोगों के व्हीकल्स, लोगों की जाने जा रही हैं, ये कौन कर रहा है? सामने आओ। अबे सबको मार दो, किसी को मत छोड़ो यहाँ पर। एक मिनट, ये तो कैमरामैन की आवाज है गाइस, उधर से आ रही है, चले जल्दी देखते हैं। भाई साहब नहीं, अरे मुझे बचाओ, ये लोग एक बुड्ढे की जान लेने वाले हैं, इतना बड़ा पाप करेंगे, बचाओ। मार दो इनको। ये तो लॉ अपग्रेड स्पीकर मैन है और ये कैमरा मैन। गाइस, ये क्या है? रेड डायमंड मैन, तू भी? ये तीनों तो यार लिटरली में इनका माइंड भी कंट्रोल कर लिया गया। नहीं गाइस, मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ है। अरे मार दो इस बुड्ढे को, न्यम 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 खा गए। नहीं, कैमरामैन कभी ऐसा नहीं कर सकता, ये ह्यूमंस थोड़ी ना खाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो ह्यूमंस को बचाते हो। अबे ये वमुना कौन है, इसको भी मारो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, तुम सब हमारे दोस्त हुआ करते थे, हम सब इंसानियत के लिए लड़ते थे, अच्छाई के लिए लड़ते थे, ये क्या हो गया? अब सबको फाड़ दो, इस मेज बैंक बिल्डिंग को भी तबाह कर दो। लावा अपग्रेडेड स्पीकर मैन, प्लीज ऐसा मत कर। गाइस, इसके पीछे जो भी है मैं पता करके रहूंगा, ये सब कैसे हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा लॉस सेंटोस तबाह कर दो, ये सब करने में इनका क्या फायदा होगा? अरे बाप रे, मुझे यकीन नहीं होता दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारे सुपर हीरोज हुआ करते थे वो सब धीरे धीरे नहीं पूरी तेजी से यहाँ पर सुपर विलन्स बनते जा रहे हैं। आ रहा है इसकी बड़ी, मजा आ गया। एक मिनट, यहाँ पर स्केबिडी डॉट मॉन्स्टर कहाँ से आए? इसकी बड़ी, हमने अच्छा उल्लू बनाया शहर वालों का, अब लोग सोचेंगे यहाँ पर ये सब सूट नहीं रियल कैमरामैन और यहाँ पर डायमंड मैन थे, लोग इनसे डरेंगे और अपने आप को आत्महत्या के द्वारा मार लेंगे। अरे हाँ, इसकी बड़ी। ओ भाई साहब, तो ये सब एक साजी रसी जा रही है, ये सब एक सूट थे, कोई रियल कैमरामैन या डायमंड मैन नहीं थे। मुझे गाइस पता करना होगा इनके पास इतने स्पेशल सूट कहाँ से, इतने बढ़िया सूट तो सिर्फ डॉक्टर मिक्सिट बना सकता है। अरे बच्चे, तुम हमसे कितने सूट बनवाओगे? ओए चुपचाप काम करता, इसकी बड़ी, मेरे को भी यहाँ पर खतरनाक स्पीकर मैन का सूट चाहिए। और मेरे को चाहिए इसकी बड़ी फोन मैन का। मुझे भी चाहिए बढ़िया यहाँ पर टीवी मैन का। तो गाइस, ये सब यहाँ पर सुपर हीरोज का नाम खराब करवाने के लिए टोनी स्टार्क और डॉक्टर मिक्सिट इन दोनों से काम करवा रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था, और अच्छा मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं जबरदस्ती काम करूंगा, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। गाइस, सबसे पहले मुझे टोनी और डॉक्टर मिक्सिट को यहां से ले जाना होगा, अगर ये लोग इसी तरह से काम करते रहे तो दुनिया का अच्छाई और सच्चाई से विश्वास हट जाएगा और फिर लोग खुद आत्महत्या करके मर जाएंगे। मुझे दुनिया को कोलैप्स होने से रोकना होगा, इसलिए जल्दी करते हैं। और इसकी बड़ी, ये कौन है? ये तो डायमंड टीवी मैन लगता है इसकी बड़ी। अरे पकड़ा गया ये इसकी बड़ी, ये हमारी कुछ आर्मी को पीट रहा है, इसने प्रिजन तबाह कर दिया इसकी बड़ी। अबे छोड़ मेरे को, वैसे भी प्रिजन तुमने तबाह किया था, मैंने नहीं। स्पीडी रोटेशन इसकी बड़ी। भाई साहब, ये कैसी पावर है? गाइस, इस बार मैं जायंट टीवी मैन बनूंगा ना, ये वाली पावर लेके रहूंगा। इसकी बड़ी, तेरे बस की नहीं है जायंट टीवी मैन बनना, इसकी बड़ी। मजा ही आ गया इसकी बड़ी। ए टोनी, जल्दी से मेरे लिए सूट बना फोन मैन का इसकी बड़ी। और बच्चे बना रहे हम, हमको प्लीज मारना मत इसकी बड़ी। अरे भैया, ये क्या, वो इतने से इसकी बड़ी में इतनी खतरनाक सुपर पावर्स कहां से आई? गाइस, मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पर बहुत सारे टीवी चाहिए होंगे अगर मैं जायंट टीवी। एक मिनट भाई साहब, ये क्या, गाइस बड़े से टावर पर 5 टीवी हैं जो प्योर डायमंड के हैं। भाई इनकी स्क्रीन में भी भाई डायमंड ही डायमंड भरे पड़े हैं और इनके वायर तक यहाँ पर डायमंड से बने हुए हैं लिटरली में। अगर ये 5 टीवी मैंने अपने हेड पर अटैच कर लिए तो क्या पता मैं यहाँ पर जायंट डायमंड टीवी मैन बन जाऊं। गाइस कितने बड़े टीवी होंगे ना, देखिए कितने ऊपर है यार वो। गाइस मैं भी अपने भाई डायमंड मैन की तरह यहाँ पर मैं काम करता हूँ, अपने आप को डायमंड टेलीपोर्टेशन से टेलीपोर्ट करता हूँ। लेट्स गो, मैंने अपने टीवी में से डायमंड निकाले और मैं टेलीपोर्ट हो गया ऊपर की तरफ। अब मैं यहाँ
पर जल्दी से सुपर डायमंड टीवी मैन की अटैचमेंट मोड को ऑन कर देता हूँ और ये पांचों टीवीज को अपने हेड पर अटैच करता हूँ। उसके बाद देखिए भाई साहब, मैं तो प्योर फाइव हेडेड डायमंड टीवी मैन बन गया। अभी तो गाइस ऐसे सुपर अटैक करूंगा ना डायमंड्स के कि इनकी बैंड बच जाएगी। मुझे यहाँ पर टोनी और डॉक्टर मिक्सर दोनों को बचाना पड़ेगा। अरे कोई दो में बचा लो, इसके बड़े जल्दी यहाँ पर सूट बनाओ। अरे मुझे भी सूट चाहिए। ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे, तुम सबके सब यहाँ पे बचने नहीं वाले हो। एक मिनट, ये पीछे से किसकी आवाज आई? टोनी, मेरा भाई तुझे बचाने आ गया है। एक मिनट फ्रैंकलिन, क्या है तू? हाँ मैं ही हूँ। अरे वाह फ्रैंकलिन यार, तू तो यहाँ पर डायमंड टीवी मैन गया। चिंता मत कर, मैं तेरे लिए और भी बड़ा टाइटन टीवी मैन का सूट बनाऊंगा। अरे बाप रे, ये क्या? अबे तुझे अभी बता रहा हूँ फ्रैंकलिन के बच्चे, ले तूने पहले प्रिजन खराब किया, बड़ी मुश्किल से बचा था, अब तू इधर आ गया, ले। अरे बाप रे, गाइस क्या करूं क्या करूं, आइडिया, मैं एक टीवी मैन, वो भी डायमंड टीवी मैन, क्यों ना यहाँ पर मैं अपने पांचों टीवी के सुपर डायमंड टीवी क्लोन्स बना लूँ। ये क्या कहते हैं, लेट्स गो। वैसे ये जो मेरे क्लोन्स हैं मुझसे थोड़े छोटे हैं, बट दिखने में हूबहू मेरे जैसे ही है ना गाइस। जल्दी से कमेंट में यस लिखिए अगर ऐसा है तो। बकवास बंद कर, तू सब कुछ बकवास है, तेरे क्लोन्स भी बकवास है। अच्छा मेरे सुपर क्लोन्स, जल्दी जाओ और यहाँ पर ब्लैक फ्रैंकलिन की आर्मी की बैंड बजाओ, लेट्स गो। मेरा एक क्लोन तो गया, अब देखिए क्या ही होता है। अरे ये क्या, अरे मार दिया, उसके बड़े ये क्या चल रहा है। और भाई मेरा दूसरा क्लोन भी गया, मुझे लगता है मुझे यहाँ पर इस मामले में दखलंदाजी देनी होगी, जिससे कि हम जल्द से जल्द इन सारे बुरे स्किबिडी टोटली मॉन्स्टर का सफाया कर पाएं। लेट्स गो। अबे वो फ्रैंकलिन, तू तो कमाल कर रहा है। और अब अच्छा फ्रैंकलिन, और तू तो यहाँ पर इनकी मान मचा रहा है। लेट्स गो। फाइनली गाइस, यहाँ पर जितने भी बुरे स्किबिडीज थे जो यहाँ पर डॉक्टर मिक्सेट और टोनी स्टार्क से जबरदस्ती बकवास सूट बनाए थे, हमने उनकी बैंड बजा दी। फ्रैंकलिन, तुझे यहाँ पर किसी भी हालत में हमें हमारे हाल पे छोड़ना होगा। तू फिलहाल जा और जाकर सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा टीवी लेकर आ, उसके बाद मैं उसे डायमंड टीवी बना दूंगा। ऑलराइट ऑलराइट, मैं जाता हूं। गाइस टोनी बोल रहा है कि हमें यहाँ पर अगर अवेंजर्स को बचाना है, सबको बचाना है, तो मुझे यहाँ पर टाइटन डायमंड टीवी मैन बनना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, अपने भाई टीवी मैन के पास जाता हूँ। अरे यार टीवी तो मिल गया, बस बॉडी की जरूरत है। व्हाट भाई साहब, डायमंड टीवी मैन मेरे भाई, तुझे यहाँ पर ये इतना बड़ा टीवी कहाँ से मिला? मैंने इसको बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया मेरे भाई, लेकिन दिक्कत ये हो गई, इसकी बॉडी कहीं ना कहीं गुम है। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है, पास में राइट तरफ एक लेक है, वहां पर इसकी बॉडी मिल सकती है। तू एक काम कर, जल्दी से इसकी प्योर डायमंड सुपर बॉडी लेकर आ, उसके बाद मैं इस टीवी को प्योर डायमंड बनाकर तुझे दुनिया का सबसे बड़ा वेरी जायंट डायमंड टीवी मैन बना दूंगा। उसके बाद तुझे अवेंजर्स को बचाना होगा और यहाँ पर टाइटन डायमंड टीवी मैन भी बनना होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो राइट तरफ कोई लेक है, वहां पर डायमंड बॉडी मिल सकती है हमें हमारे टीवीज के लिए। ऑलराइट, लेक पे तो मैं आ गया और यहां पर एक प्लेटफॉर्म है सामने, बट मुझे वहां पर कोई बॉडी नहीं दिखी। मैं काम करता हूं, सुपर अल्ट्रा विजन ऑन करके देखता हूं। ओ भाई साहब, तो ये नॉर्मल तरीके से बॉडी नहीं दिख सकती लोगों को, बट मैंने यहां पर जैसे ही अपना सुपर अल्ट्रा विजन ऑन किया, देखिए भाई क्या खतरनाक ब्लेड्स हैं इस बॉडी पर, और प्योर डायमंड की ब्लेड है, मतलब सबसे हैवी मेटल वाली ब्लेड है भाई। मैं अपने विलन की बैंड ही बजा दूंगा। अबे ओए, इधर क्या चल रहा है? यहाँ पर कोई भी इस डायमंड बॉडी को मुझसे नहीं चुरा सकता, मैं डायमंड बाइक मैन बनूंगा। एक मिनट, ये बाइक मैन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये बॉडी मेरी है। ओके, तो यहाँ पर ये बॉडी इसकी है। अभी बताता हूँ, सुपर बाइक स्पीड रोटेशन टोर्नेडो अटैक। एक मिनट, ये क्या होता है सुपर बाइक स्पीड रोटेशन? ओ माय गॉड, इसने यहाँ पर इतनी तेजी से पंखे से भी तेज घुमा कि यहाँ पर इसने हवा का इस्तेमाल करके, धूल मिट्टी का इस्तेमाल करके इतना बड़ा टोर्नेडो बना दिया। और अब फ्रैंकलिन के बच्चे, तू यहाँ पर बचेगा नहीं, तेरे बॉस को भी जल्दी मैं मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे भैया, मैं तो इस टोर्नेडो के अंदर फंस गया। गाइस जल्दी से कमेंट में डायमंड टीवी मैन ओपी लिखिए, मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। कम ऑन गाइस, या फिर एटी गेमर ओपी लिखिए, हमें यहाँ पर साथ मिलकर काम करना होगा। कोई तुझे सपोर्ट नहीं करेगा फ्रैंकलिन, ये ले, तू मरने वाला है। वो बॉडी मेरी है, तेरे टीवी छीन के मैं डायमंड निकाल लूंगा उसमें से। ओ भाई साहब, क्या जोर से लगी मेरे, बहुत हो गया दोस्तों। मैं यहाँ पर सबसे पहले वो बॉडी ले लूं, उसके बाद इसको बताता हूँ। अबे बताता हूँ, तू उस बॉडी पर कभी भी अपना हाथ नहीं रख पाएगा। रुक, तेरे को पटक के लेक में फेंकता हूँ। इस लेक में बड़े बड़े मगरमच्छ और शार्क्स मिलते हैं। नहीं 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 नहीं, अबे ये क्या, मैंने गलती से उसे अपनी बॉडी के पास भेज दिया। वाह अच्छा हुआ गाइस, लेकिन मैं अब इस बाइक मैन से नहीं लड़ सकता, मैं इससे बहुत छोटा और कमजोर हूँ। लेकिन एक बार मैं यहाँ पर इससे भी बड़ा वेरी जायंट डायमंड टीवी मैन बन गया, तो उसकी बैंड बजा सकता हूँ। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, मैं यहाँ पर सुपर डायमंड टेलीपोर्टेशन यूज करके क्यों ना इस बॉडी को अपने भाई टीवी मैन के पास ले जाऊं। अब फ्रैंकलिन रुक जा, कहाँ जा रहा है? लेट्स गो। मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया। अरे फ्रैंकलिन, तुझे मिली बॉडी? हाँ, ऐसे बॉडी टीवी मैन की नहीं है, ये असल में बाइक मैन की है, तो क्या काम चलेगा इस पे? अरे बिल्कुल चलेगा, तू चिंता मत कर, मैं अभी इस सुपर डायमंड टीवी को इस डायमंड बॉडी पे अटैच करता हूँ और तुझे यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा वेरी जायंट डायमंड टीवी मैन बनाता हूँ। लेट्स गो, देखते हैं गाइस अब कौन सी नई पावर्स हमारा वेट कर रही है। ओह भाई साहब,
अपने बॉस से कितना बड़ा हो गया मैं गाइस, और ऊपर से भाई सुपर डायमंड स्पीकर्स और टीवी सब कुछ लग गया है मेरी बॉडी पे। अब समय आ गया है यहाँ पर अपने दोस्त अवेंजर्स को पूरी तरह से बचाने का। मैंने टोनी स्टार्क और मिक्सिट को तो बचा लिया, बस अवेंजर्स को बचाना है और उस सन गॉड स्किबिडिट वाले मॉन्स्टर को भी पीटना है। उसके बड़ा जल्दी बता टोनी, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कहाँ मिलेगा, मैं भी सन गॉड डायमंड स्किबिडिट वाले मॉन्स्टर बनूंगा। अरे प्लीज कोई बचाओ। है टोनी की आवाज कैसे आ रही है यहाँ पर? अरे वाफी मजा आ गया। ओए फ्रैंकलिन तो तू आ गया यहाँ पर? भाई साहब बाइकमैन भी यहीं खड़ा है। अबे हमने तेरे टोनी को पकड़ लिया। हाँ हमने टोनी को पकड़ लिया। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने टोबी को खुद बचाया था, टोनी यहाँ पर पकड़ा कैसे गया? अरे इसकी बड़ी इसकी बड़ी, इसके सारे डायमंड हम छीन लेंगे। फ्रैंकलिन प्लीज यहाँ से जा, मैं तेरे को एक गन देना चाहता हूँ। एक मिनट, गन? हाँ फ्रैंकलिन, असल में मैंने यहाँ पर एक गन बनाई है। मैं तेरे इस छोटे से टीवी को और बड़ा बना सकता हूँ, बट उसके लिए तुझे यहाँ पर मेरे पास आना होगा। लेकिन फिलहाल तू यहाँ से जा, वरना सारे स्किबिडीज तुझे यहाँ पर मार देंगे। स्किबिडे, ये फ्रैंकलिन यहाँ से भागने नहीं चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर भागने आया भी नहीं हूँ। गाइस अब भी देखिए मेरी एक नई सुपर पावर्स का कमाल, मैं हूँ एक डायमंड वेरी जायंट टीवी मैन और यहाँ पर मैं तुम सबकी बैंड बजा रहे आया हूँ। और स्किबिडे स्किबिडे, बहुत तेरी बकवास हो गई, रुक तेरे को बताता हूँ। ओ भाई साहब बाइकमैन, तू कब से स्किबिडी बन गया जो स्किबिडी स्किबिडी कर रहा है? मैं यहाँ पर स्किबिडी का गुलाम हूँ, तो मेरे लिए स्किबिडी किसपे आना बहुत आसान बात है। ओ माय गॉड, क्या पीटा मेरे को। गाइस बहुत हो गया, क्यों ना मैं पर अपने बड़े से इस वेरी जायंट टीवी के अंदर से एक सुपर जायंट डायमंड जेट प्लेन निकालूं। जेट प्लेन? हां गाइस आपने सही सुना, देखिए भाई मेरे टीवी के अंदर से कैसे एक डायमंड कॉपी और जेट प्लेन निकला है। अबे ये क्या चीज है, अभी बताता हूं। सुपर स्पीड रोटेशन मेरे पास गाइस इसमें आ गई है। मैंने असल में उसको एक रेड स्किबिडी टॉय मॉन्स्टर से सीखा था। अरे स्किबिडी स्किबिडी, तेरे पास की नहीं उसका यूज करना। अच्छा, सुपर स्किबिडी रोटेशन जेट प्लेन अटैक। भाई साहब मैंने स्किबिडी टॉय मॉन्स्टर की टेक्निक को कॉपी किया और यहाँ पर अपने डायमंड जेट प्लेन में उसको यूज कर लिया। भाई साहब अबे भाई ये क्या हो रहा है, अरे बचाओ। स्किबिडी स्किबिडी, ये क्या, ये तो हमारी टेक्निक है, ये कैसे यूज कर पा रहा है उसको? भाई साहब क्या खतरनाक वंडर बना पा रही है। अबे नहीं 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 नहीं, तू मेरे जैसा टोर्नेडो क्रिएट नहीं कर सकता। वो तो मैं जानता हूँ बाइकमैन, बट मैं यहाँ पर अभी सुपर डायमंड जेट प्लेन से ही तुम्हारी सारी आर्मी की बैंड बजा सकता हूँ। अबे वाह फ्रैंकलिन, तूने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर देखिए गाइस, अभी मेरा सुपर डायमंड लेजर अटैक यहाँ पर इन सभी छोटे मोटे जायंट स्किबिडीज की कैसी बैंड बजाता है। लेकिन गाइस सन गॉड स्किबिडी को पीटना आसान नहीं है, बट यहां पर जितने भी मेरे लेवल के हैं, मुझसे थोड़े बहुत भी ऊंचे लेवल के हैं, मैं उन सबको आराम से हरा सकता हूं। फाइनली मैंने बहुत एनर्जी यूज कर ली। लेकिन इस सुना ये क्या, स्किबिडी स्किबिडी तो कैसी लगी गर्मी का मौसम? नहीं भाई साहब, इसने मेरे हेड में ब्लास्ट कर डाला, मैं तो पूरी तरह से जल जाऊंगा। शुक्र है मेरी बॉडी डायमंड से बनी है, वरना अभी तक तो मैं मर गया होता। टोनी कुछ कर। फ्रैंकलिन एक काम कर, तेरा ये वाला टीवी डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए अपने टीवी के अंदर से एक छोटा टीवी निकाल, मैं उसको यहाँ पर वेरी जायंट टाइटन डायमंड टीवी बना दूंगा। क्या सच में? हाँ फ्रैंकलिन, मुझ पे यकीन रख। और अरे दोस्तों मैं ट्राई करता हूँ। उसके फिड़े उसके फिड़े, ये बचकानी हरकत बंद करो। ये ले टोनी, मैं यहाँ पर एक छोटा सा टीवी निकाल दिया है जो एकदम फ्रेश है एंड प्योर है। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी उस पर गोली चलाता हूँ। गाइस क्या लगता है, टोनी इसको बड़ा वाला टाइटन टीवी बना पाएगा? अरे बिल्कुल, इसके साथ साथ तेरी बॉडी भी डेवलप होगी। भाई साहब, ओ भैया ये कितना बड़ा है। और उसके पड़े ये टीवी है कि सिनेमा हॉल? सिनेमा हॉल भी कुछ नहीं है इसके आगे। फ्रैंकलिन अब एक काम कर, सुपर अटैचमेंट डायमंड मोड ऑन कर, जिससे कि ये टीवी तेरे साथ साथ डायमंड में बदल जाए और तू यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन डायमंड टीवी मैन बन जाए। ऐसा मैंने कर दिया है। गाइस कुछ ही टाइम में हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है दुनिया के सबसे बड़े टाइटन डायमंड टीवी मैन में। भाई साहब मेरी बॉडी देखिए भाई, प्योर डायमंड से बनी हुई और मेरा टीवी कितना ज्यादा बड़ा है और स्पीकर्स भी। उसके बड़े तूने अभी सन की गर्मी को तो देख लिया, लेकिन सन की स्पीड को नहीं देखा। उसके बड़े ना तुझे यहाँ पर अपनी गर्मी की ताकत से भस्म कर दूंगा। उसके बड़े ऐसा तो मैं इंतजार करता हूँ, ये क्या कर लेगा? सुपर सन इसके बड़े सुपर स्पीड अटैक। ओ भाई साहब ये कितना फास्ट है, ओ माय गॉड। अच्छी बात तो ये है कि मैं यहाँ पर इसके सारे अटैक्स को अच्छी तरह से डिफेंड कर पा रहा हूँ। गाइस अब इसने तो अटैक कर दिया, बट जब मेरा अटैक करने का समय आएगा मैं इसकी चुटकियों में बैंड बजा दूंगा। इसके बड़े तू क्या कर लेगा? हाँ गाइस, अब हम बाइकमैन की एक टेक्निक को सुपर कॉपी करने वाले हैं, वो है हमारी टाइटन टोर्नेडो स्पीड रोटेशन डायमंड टीवी अटैक। और नहीं इसके बड़ा क्या। अब वाह फ्रैंकलिन भाई, तूने पूरे सन गॉड स्किबिडी मॉन्स्टर घुमा दिया और इसको घुमा के हम इतनी दूर फेंकेंगे कि हमारी धरती पे आने में इसको हजारों साल लग जाएंगे। फाइनली मैंने यहाँ पर सन गॉड स्किबिडी मॉन्स्टर को इतना दूर फेंका है भाई, किसी को दिखेगा भी नहीं। गाइस आपको दिख रहा है क्या? जल्दी कमेंट में यस या फिर नो लिखकर बताइए। और बाकी गाइस चलो देखते हैं अवेंजर्स यहाँ पर ठीक है नहीं, अगर कोई स्किबिडी बचाए तो उसकी भी बैंड बजा देंगे। अरे वाह फ्रैंकलिन भाई, ओए यार फ्रैंकलिन तू तो सच में टाइटन डायमंड टीवी मैन बन गया। ओए बिल्कुल सही का मजा आ गया। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो। थैंक यू सो मच। Hey!